विश्वकर्मा अवतारी। या अपरम पारी जगत में तेरी माया से हे विश्वकर्मा अवतार या अपरम पार जगत में तेरी माया से ज्ञान विज्ञान के देव यो सब कुछ तने रचाया से ओ सब कुछ तने रचाया से यो सब कुछ तने रचाया से हे विश्वकर्मा भगवान या परम पार जगत में तेरी माया से ओ ज्ञान विज्ञान के देव ये सब कुछ तने रचाया से ये सब कुछ तने रचाया से ओ सब कुछ तने रचाया से विश्वकर्मा अवतार या अपरंपार जगत में तेरी माया से ज्ञान विज्ञान के देव यो सब कुछ तने रचाया से कोई भी ऐसी चीज नहीं है, हर चीज ऐसी है जिसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। भाई काला ऊ तो गांव टेलीविजन आले के नाम तो जाना है, परीब कपड़े आला हो रहा है, सॉरी मार्केट में भाई की दुकान है, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर ठेकेदार जी धामड़। भगवान विश्वकर्मा के इस भजन पर खुश होकर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम फलुड्डा। 100 रुपए से इस भजन पर खुश होकर मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी के। और मैं कहूंगा भाई इस मंदिर की जो नींव रखी थी इस पूरी कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इनको कहते हैं महेंद्र मिस्त्री, एक बार जोरदार तालियां। जो इस कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने की थी इस मंदिर के निर्माण के लिए या सोच इनकी थी, 100 रुपए से इस भजन पर खुश होकर मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल हुड्डा। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजू रुखी। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश पोलंगी। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से नंबर एक पे की लिख दिया भला, भाई देवेंद्र उर्फ काला 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्रम पहलवान जी डीगल से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा भगवान
खत्म है तेरी माया है, ज्ञान भी ज्ञान के देव ये सब कुछ तने रचाया है, सब कुछ तने मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊं झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊं, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊं, ओ मैं तेरे दर पे आया हूँ। ये आदरणीय भजन प्रेमी रुड़की गांव से आदरणीय श्री दयानंद जी 651 रुपए से इस भजन पर खुश होकर मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। और नंबर 2 पे देखना, देवता जो हुए हैं, जो देव लोक है, उनको भी भगवान विश्वकर्मा की ही जरूरत पड़ी। जो देव नगरी है उसका निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। कैसे नंबर 2 पर कवि ने क्या लिखा है, क्या बात है जी। तेरी माया है, ओ ज्ञान विज्ञान का देव सब तने रचाया, ओ सब को तने रचाया। मंदिर ट्रस्ट के बड़े ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, प्रधान पद को बड़े ही अच्छे तरीके से जिन्होंने निभाया है और निभाते आए और निभाते रहेंगे, स्वर पे से इस भजन पर खुश होकर पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरह से नंबर 3 पे और क्या लिखा है और किस किस का निर्माण कराया भगवान विश्वकर्मा ने, मुँह फेर जिधर देखो ओ बाबा तू ही नजर आए, ओ विश्वकर्मा तू ही नजर आए, ओ अब छोड़ के दर तेरा, अब छोड़ के दर तेरा, तेरा दास किधर जाए, ओ तेरा दास मुझे जिधर देखो बाबा तो नजर आए, ओ तू तो नजर आए। भाई जसबीर ठेकेदार 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई ने और 50 रुपए से मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे क्या लिखा नंबर 3 पे बोला, क्या बात है जी। स्वर्ग बना करण कुंडल का जिक्र जी करे, करण कुंडल का जिक्र सुदामा
तने रचाया हो सब कुछ तने रचाया ओ विश्वकर्मा भगवान यह परम पार जगत में तेरी माया ओ ज्ञान विज्ञान के देव सब तने रचाया हो सब कुछ तने हो सब कुछ तने ला 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 ओ ओ ओ ओ और भगवान विश्वकर्मा जी के पांच पुत्र हुए, पांच पुत्र है, पांचों पुत्रों ने इस दुनिया में इस सृष्टि में अपने अपने काम संभाले, पांचों पुत्रों ने अपने पिता भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से इस दुनिया के लिए हर उस चीज का निर्माण किया जिस चीज की जरूरत है इस दुनिया को थी, चाहे अपने घर में एक सुई तो लेकर और चाहे जहाज खड़ा हो, उन पांचवा का एक काम है और छठे का नहीं। हर चीज का निर्माण है। आज हम कई बार कोई भी चीज ऐसी सोचते हैं कि बतड़का हमने उस चीज की जरूरत होगी और हमने ऐसा भी लगेगा अग भैया चीज तो इस दुनिया में कितने मिल नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। कितन की तो वह चीज भी जरूर मिलेगी जो हमारे दिमाग ने जिसका निर्माण कर दिया ना, वह चीज कितन की तो जरूर मिलेगी। क्यों? भगवान को पता कि इंसान क्या सोच रहा है, उसको किस चीज की जरूरत है और इसका निर्माण किसके हाथों करवाना है। कौन से पांच पुत्र हैं जिन्होंने न्यारे न्यारे काम संभाले, कौन से, और वह पांचों भी यहीं पर मौजूद हैं। प्रधान जी, वह पांचों पुत्र यहीं पर मौजूद हैं। यह जो काम जब मैं गिनवाऊं तो अपने अंदर ही देख लेना, आपको पता आएगा कि हाँ आप भगवान विश्वकर्मा के ही पुत्र हो। अगर इनमें तक कोई चीज का निर्माण आप लोग करते हो तो कौन सी चीज है? ओ सतम शिवम सुंदरम, ओ सतम शिवम सुंदरम, ओ सतम शिवम सुंदरम, ओ सतम शिवम सुंदरम, ओ ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव, ओ शिव है सो हो सतम शिव ओ सुंदर सतम सुंदर। पांच पुत्र तेरे पांच ढाल के अपने कर्म पकड़ रहे से, जेवर बर्तन लोहा पत्थर ईंट काठ भी घड़ रहे से। चाहे कोई जेवर का काम करे है, चाहे कोई बर्तनों का काम करे है, या कोई लोहे का काम करे है, कोई पत्थर का ही काम करे है, कोई भट्ठे पर ईंट बनावे है, और कोई लकड़ी का काम करता है, काट का काम, ये सब के नरे नरे काम सौंपे गए हैं। इन चीजों के बिना यह दुनिया चल नहीं सकती। बोल भगवान विश्वकर्मा की जय। ओ जेवर बर्तन लोहा पत्थर ईंट काट के, ओ जेवर बर्तन लोहा पत्थर ईंट काट के गढ़ रे से। सुखबीर सिंह प्रणाम, ओ प्रणाम सुखबीर सिंह प्रणाम, बड़म भागम महम के ओ बताया है, ओ ज्ञान विज्ञान के देव सब कुछ तने रचाया, ओ सब कुछ तने रचाया, ओ सब
सबकुतन ओ विश्वकर्मा भगवान परम पात्र तेरी माया ओ ज्ञान विज्ञान करे सबकुतन ओ सबकुतन ओ सबकुतन ओ सबकुतन ओ सबकुतन रचाया है।